वायदे रा देश। आखिरी मंच एबे से टाइम आई गईरा था कि इसराइली लोग वायदे रे देश कनाना मंच दाखल हो। इस देशा मंच यरियो नावा रा एक नगर था। तीसरी हिफाजत तारे कठे, तीसरे चौं पासे मजबूत कांदा थी। यहोशुए तिस नगरा मंज दो जासूस भेजे। तिस नगरा मंज रहाब नावा रा एक वैश्या थी। तैसे ये जासूस लकोए और फेरी बादा मंज तिने तिनारी नगरा ले बच्ची कने निकलने मंज मदद कीती। तिने एड़ा इदी कठे कीत्या क्योंकि से परमेश्वरा मंज विश्वास कराई थी। तिस टाइम इजरायली लोग यरियो शहर नाश करना, तेबे तिने रहाब होर तीसरे परिवार की हिफाजत करने रा वायदा कीतिरा था। इजरायली लोका जो वायदे रे देशा मंज दाखल होने रे कठे यरदन नदी पार करनी थी, परमेश्वरे यहोशू कने बोलिया, याजका जो पहले जाने दे, जेबे याजके यरदन नदी मंज अपने पैर रखे ता पानी री धारा बहनी रुकी गई, ताकि इजरायली लोग नदी रे दूजी तरफ सुकी जमीना पर पार जाई सके। तिना लोके यरदन नदी पार करी लई ता परमेश्वरे यहोशू कने बोलिया कि यरियो पर हमला करने रे कठे तैयार रहुआ, जेबे कि से बहुत मजबूत नगर था। परमेश्वरे तिना लोका कने बोलिया कि तिना याजका होर सिपाहिया जो छे ध्याड़े तक तिस नगरा रे चौं पासे चक्कर लगाने पौने। इदी कठे याजके होर सिपाहिये एड़ा ही कित्या। तेबे सातवें ध्याड़े इजरायलिये तिस नगरा रे चौं पासे सात बार होर चक्कर लगाए। तिनारे नगरा रे चौं पासे सातवीं बार चक्कर लगाने ले बाद याजके अपनी तुरिया बजाई होर सिपाहिये बहुत जोरारी आवाज कीती। तेबे यरिहो रे चौं पासे री कांदा पई गई जेड़ा परमेश्वरे हुकम दितिरा था। इजरायलिये नगरा री हर एक चीज नाश करी दीती। तिने सिर्फ रहाब होर तीसरा परिवार छाड़ी दित्या जो इजरायलिया रे हिस्से बनी गए थे। जेबे कनाना मंज रहने वाले बाकी लोके सुनिया कि इजरायलिये यरियो नाश करी दित्या ता स्यों डरी गए कि इजरायली लोग तिना पर भी हमला करी देना। परमेश्वरे इजरायलिया जो हुक्म दितरा था कि कनाना मंज रहने वाली किसी भी जाति सौगी मेल मिलाप देखा कर दे, पर गिबोनिया नावारी एक कनानी जातीय यहोशू कने झूठ बोलिया कि स्यों कनाना ले दूर एक जगह रे रहने वाले है। तिने यहोशू कने तिना सौगी मेल मिलाप करने री अर्जी कीती। यहोशू होर बाकी इजरायली अगुए परमेश्वरा ले नी पूछा कि तिना जो क्या करना चाहिए। इतर रे बजाय तिने गिबोनिया सौगी मेल मिलाप करी लया। तीन दिहाड़े बाद इजरायलिया जो पता चलिया कि गिबोनी लोग कनानिया मंजी रेया कराएं, स्यों गुस्से हुई गए क्योंकि गिबोनिये तिना जो धोखा दित्या था, पर तिने तिना सौगी कितिरा मेल मिलाप बनाई रख्या क्योंकि से परमेश्वरा रे सामने कितिरा था। तेबे कुछ टैमा ले बाद कनाना मंज रहने वाली एक दूजी जाति एमोनिया रे राजे सुने कि गिबोनिये इजरायलिया कने मेल मिलाप करी लेरा, इदी कठे तिने अपनी अपनी सेना एक करी कने एक बड़ी सेना बनाई और बोना पर हमला करी दित्या। गिबोनिये तिनारी मदद करने रे कठे यहोशू वाले एक खबर भेजी। इदी कठे यहोशुए इजरायलिया री सेना कठा किती होर गिबोनिया वाले पुजने रे कठे स्यों पूरी रात चले। ब्यागा तड़के तिने एमोनिया री सेना हैरान हुई गई और तिना पर हमला करी दित्या। तिस दिहाड़े परमेश्वर इजरायलिया रे कठे लड़या। तिने एमोरी लड़ाई दिते और तिने बड़े बड़े
सलवाट बरसाई कने बहुत एमोरी मारी दिते। परमेश्वरे सूरज भी स्वर्गा मंज एक जगह पर रोकी दित्या ताकि इजराइलिया जो बतेरा टाइम मिली जाए कि एमोरिया जो पूरी तरह ले हराई दे। तिस दैड़े परमेश्वरे इजराइलिया रे कठे एक बड़ी जीत हासिल कीती। जेबे परमेश्वरे स्यों सेना हराने ले बाद बहुत सारे कनानी जाति रे लोग इजराइला पर हमला करने रे कठे कठा हुए। यहोशू होर इजराइलिया हमला करी कने तिनारा सत्यानाश करी दित्या। इना युद्धा ले बाद परमेश्वरे इजराइला रे हरेक गोत्रा जो वायदे रे तिस देशा मंज तिनारा हिस्सा दित्या। तेबे परमेश्वरे इजराइला री सारी हद होर बनने पर शांति दीती। जेबे यहोशू बूढ़ा हुई गया ता तिने इजराइला रे सब लोका जो कठे साध्या। तेबे यहोशूए तिना लोका जो याद करया कि तिने आशा वाचा रा पालन करने रा वायदा कितिरा था जो परमेश्वरे तिना साउगी सिने पहाड़ा पर बानिरी थी। तिने लोके परमेश्वर रे बारे मंज भरोसे लायक रहने होर तेसरे हुक्मा रा पालन करने रा वायदा कित्या। यहोशू अध्याय 1 ले 24 ले एक बाइबलारी कहानी।